जय हिंद बच्चों, आज एक बहुत बड़ी न्यूज है और ये न्यूज है पीएमओ का ट्वीट। और हम तो कह देंगे अब जान लगा दो बच्चों, मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का रास्ता बहुत आसान होता जा रहा है। अंकित सर पहले बताइए क्या ट्वीट है, कब आया ये ट्वीट? पीएमओ इंडिया का ट्वीट है, लगभग 7-8 घंटे पहले का ट्वीट है, आज मॉर्निंग का, आज की डेट। और आपने फटाक से हमको भेज दिया, ग्रेट, थैंक यू। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का लक्ष्य हो या फिर मेडिकल एजुकेशन को सबकी पहुंच में रखने का प्रयास, इससे आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में डॉक्टर मिलने वाले हैं। पीएम, क्या बात है। तो देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का लक्ष्य हो, ये तो लक्ष्य है जी, कि नॉट ओनली यूपी बट ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया अगर हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गए जी, तब तो सीटें बंपर बढ़ जाएंगी। बिल्कुल सर, ठीक है ना जी। या फिर मेडिकल एजुकेशन को सबकी पहुंच में रखने का प्रयास जी, तो हमारे सर मनीष सर हैं। मनीष सर बताइए इसका क्या मतलब निकल रहा है? सर इसका साफ साफ मतलब यही है कि फीस कम होना। फीस कम जी सर, हाँ। प्राइवेट की फीस कम हो जाएगी। नहीं प्राइवेट नहीं, जैसे भी हो, प्राइवेट या चाहे जहां भी है, हाँ, सबके बच्चों की फीस कम होगी जी सर। वेरी गुड। अब हमारे साथ शैलेंद्र सर हैं। शैलेंद्र सर इसमें एक लाइन लिखा, इससे आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं जी। तो लोग अनुमान ये लगाएंगे डॉक्टर साहब कि 10 साल बाद ये सीटें बढ़ेंगी, जब 10 साल में डॉक्टर मिलने वाले हैं जी, तो पे इस... तो साफ साफ लिखा हुआ नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। नए डॉक्टर इसका मतलब उन्होंने एमबीबीएस करेंगे, पीजी करेंगे, और इसमें आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता है कि पूरी जर्नी में 8-9 साल लग जाता है, तो इसका मतलब पीएमओ बहुत जल्दी करने वाला है जी। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें डॉक्टर सलेन जी, तो एक तो देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का लक्ष्य है और ये होगा, यूपी में हो रहा है, या फिर मेडिकल एजुकेशन को सबकी पहुंच में रखने का प्रयास, जैसा डॉक्टर मनीष ने कहा कि इसका मतलब सर फीस कम करेंगे जी। तभी तो गरीब आदमी पढ़ पाएगा। अब वो चाहे प्राइवेट में, जो हम लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज डाली थी कि 50% सीट गवर्नमेंट की फीस पे भरी जाएगी, हो सकता और बढ़ा दें, या हो सकता कोई और तरीका निकाले। भाई पीएम तो पीएम मालिक है, जो दिमाग में आ गया वो करना है। इससे आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं, इसका मतलब हमें तो लग रहा है ये खुशखबरी 2023 के लिए है। अंकित सर आइए, क्या लग रहा है? 2023 के लिए खुशखबरी है जी। तो जितनी हम लोगों ने वीडियो डाल के सीटें प्रेडिक्ट करी थी जी, उससे सीटें और बढ़ेंगी जी, जी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जान लगा दो यार, क्या है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारी हेल्प तो अब प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। देख लो ये ट्वीट, जान लगा दो, जरा भी निराश ना हो, परेशान ना हो। और वो सारे बच्चे जिनके नंबर अच्छे थे वो बिल्कुल परेशान ना हो, नीट का फॉर्म भरो, अभी टाइम है और तुम्हें कॉलेज मिलने जा रहा है। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी एक्साइटेड, हाउ आर यू, ऑल द बेस्ट। किसी भी अपडेट के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो कि जो बच्चे परेशान हैं। बाकी हम लोग कैसे लगे, अभी सैलेन सर की क्लास चल रही थी, हमने ब्रेक करके ये वीडियो बनाया आपके, थैंक यू सो मच बच्चों। तो एक उम्मीद है कि आप सेलेक्ट होंगे, कॉलेज में पहुंचोगे, आओगे, हम आपको स्टेथोस्कोप एप्रिन देने वाले हैं। तो अंकित सर हम लोग का जोश तो और बढ़ गया, बिल्कुल अब हम लोग और मेहनत करेंगे ना जी सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, जय हिंद जय भारत बेटा।